बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। इट्स ऑन पेज नंबर 6। इसके अलावा टेस्ट योरसेल्फ 9.2 हम करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस लॉ वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई गुलबर्ज एंड वेट इन 1869। स्टेटमेंट अगर हम इसकी देखें, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट, इसकी स्टेटमेंट में बताया गया है कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, सब्सटेंस मीन्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस रेट पे कोई जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मैसेस। के रेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट है तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो रिएक्टेंट की एक्टिव मैस पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट है तो वो उसके प्रोडक्ट के मास पे डिपेंड करेगा। सो रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मैसेस। और इसी स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मींस ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस ऑफ रिएक्टिंग, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये कौन से प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये मल्टीप्लिकेशन की, कि जो मल्टीप्लाई करते हैं हम रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो भी आपस में सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उनके मैसेस को हम जो मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। एक्टिव मैसेस किसे कहते हैं हम, एक्टिव मैसेस का मतलब होता है मोलर कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसका जो यूनिट होता है वो हम यूज़ करते हैं मोल्स पर डीएम क्यू, और एक्टिव मास को या मोलर कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस फॉर्म में हम ब्रैकेट्स डालते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल है, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, दे आर रिएक्टेंट्स, और सी एंड डी दे आर प्रोडक्ट्स। अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है। के एफ एंड के आर को मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है, ये बेसिकली कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देखें ए एंड बी जो रिएक्टेंट्स है उसके, उनके पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं सी एंड डी, इनकी मोलर कंसेंट्रेशन क्या होगी, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट्स ने जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है वो जो रिएक्शन है उसका जो रेट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्यों, अगर रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखें ए एंड बी रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनेगा, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा ना, कि रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन कितनी है। अगर ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है उनको हमने यू रिप्रेजेंट किया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब इक्वल का साइन लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे हमने फॉरवर्ड की रिएक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो होगा के एफ, एफ मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिएक्ट प्रोडक्ट्स जो रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाएंगे, बैकवर्ड जो रिएक्शन होगा वो रेट अब डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन पे। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा, जब ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके वापस से रिएक्टेंट्स बनाएंगे, तो अब ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन पे। अगर प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ही बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करता है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिवर्स रिएक्शन को हमने आर आर से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल आर मीन्स रिवर्स रिएक्शन, ये मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल कर लगाएंगे तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया है के आर, स्मॉल के है एंड स्मॉल आर मीन्स रिवर्स रिएक्शन। तो के एफ एंड के आर जो हैं ये दोनों कांस्टेंट हैं, और इनको हम कहते हैं के एफ मीन्स स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और के आर जो है वो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जो कांस्टेंट्स होते हैं इनकी वैल्यूज भी सेम रहती है, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है इनकी।
नाउ एट इक्विलिब्रियम स्टेज हमने स्टडी किया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के. तो हमने जो ऊपर वैल्यूज डिराइव की हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एफ से प्रेजेंट किया और रिवर्स को आर आर से. आर एफ की वैल्यू हमने ये पुट कर दी ऊपर, जो हमने आर एफ की वैल्यू ये डिराइव की थी ये, और यहाँ से आर आर की वैल्यू रिवर्स रेट की, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ प्लेस करेंगे. यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे रख के मोलर कंसेंट्रेशन दूसरी साइड पे ले जाएंगे. तो के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. ए और बी जो ये जो प्रोडक्ट है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. ये दोनों स्मॉल कॉन्स्टेंट्स हैं, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम के सी से रिप्रेजेंट करेंगे. के सी मीन्स इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू आगे हमारे पास ये रेशियो है. ऊपर प्रोडक्ट्स लिखे हैं हमने, नीचे रिएक्टेंट्स हैं, और ये रेशियो है जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है हमने. सी ओ डी जो है ये दोनों क्या हैं, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हैं. और सी ओ डी आपस में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो ये क्या प्रोडक्ट है, किसका, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का. और यहाँ पे नीचे जो है ये रिएक्टेंट्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका मोलर कंसेंट्रेशन. तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. नेक्स्ट हम डेरिवेशन करते हैं के सी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे फॉर जनरल रिएक्शन. इससे पहले तो हमने जो रिएक्शन पढ़ा वो तो सिंपलेस्ट रिएक्शन था. अब जो हम रिएक्शन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इसके लिए हमने ये कोएफिशिएंट्स लगाए हैं, ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट्स के साथ स्मॉल ए स्मॉल बी. इनको हम इस तरह से केमिकल रिएक्शन जब लिखते हैं तो जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के साथ हम नंबर्स ऐड करते हैं 1, 2, 3, 4 to 9 जो भी नंबर ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट. ये कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे अगर 2 लगा होता तो इट मींस के 2 मोल्स हमने रिएक्टेंट ए के लगाए हैं. तो यहाँ पे हम जनरली ए और बी सी एंड डी लिखेंगे. ए बी सी डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और इसको हम क्या कहते हैं रिएक्शन में कोएफिशिएंट कहते हैं. यहाँ पे आपके पास देखें रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके इसमें 2 पार्ट्स हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन भी है जिसमें ए और बी रिएक्ट करके सी डी बना रहे हैं, और साथ में रिवर्स रिएक्शन भी है जिसमें सी डी रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स ए भी वापस बना रहे हैं. तो इस केस में जब हमने मोल्स लगाए हैं तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. वही बात है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट पे. ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है. रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन रेज टू पावर. अब इसके ऊपर हम मोलर कंसेंट्रेशन के ऊपर हम पावर भी लगाएंगे, और ये पावर किसके इक्वल होगा, इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस्ड इक्वेशन. ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहाँ पे जो भी मोल्स होंगे रिएक्टेंट्स के वो हम एज अ पावर यूज करेंगे. कैसे, फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसी जनरल इक्वेशन के लिए हम जब लिखेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये बिल्कुल एज इट इज मैंने हमने जैसे पिछली डेरिवेशन की थी वैसे लिखा है, बट इसमें चेंज किया है, ये हमने पावर्स लगाई हैं. रिएक्टेंट ए जो है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे ए, तो उसकी पावर ए कर दी. बी के मोल्स हमने बी स्मॉल बी यूज किया था, उसकी पावर बी की. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डार्क इक्वल लगाया, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाया हमने के एफ. इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में भी हमने रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हमने यूज किए थे केमिकल इक्वेशन में सी के लिए स्मॉल सी और डी के लिए स्मॉल डी, तो ये जो इनके मोल्स थे उनको हमने यहाँ पे इसकी पावर बना दिया. अगेन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल लगाया, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा दिया. यहाँ पे हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशन आ गई हैं. नाउ अगेन एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा रिवर्स रिएक्शन के, आर एफ विल बी इक्वल टू आर आर. इन दोनों का जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किए उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, आर एफ की वैल्यू ये आई थी एंड आर आर की वैल्यू ये. यहाँ पे अगेन हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे करेंगे और जो मोलर कंसेंट्रेशन हैं उनको एक, दोनों कॉन्स्टेंट का जो रेशियो होगा वो बिगर कॉन्स्टेंट होगा जिसे हमने इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कहा. ये एक्सप्रेशन होगा फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज करते हैं. नाउ हम एग्जांपल लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन. यहाँ पे हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन.
ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें एनओ नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखें रिएक्टेंट्स क्या हैं, एन टू और ओ टू, ये दो रिएक्टेंट्स हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल कॉन्स्टेंट लगाया हमने और इन दोनों रिएक्टेंट्स को स्क्वेयर ब्रैकेट में डाल दिया हमने, जो इसकी मोलर कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में हम प्रोडक्ट लेंगे, आर आर के आर कॉन्स्टेंट लगाया, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही है एन ओ, तो एन ओ लिख दिया है, और इस एन ओ के साथ ये जो नंबर ऑफ मोल्स थे यहाँ पे वो इसकी क्या हो गई है, पावर हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन लगाएंगे, के सी, के सी किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, एन ओ टू ये आया था, और रिएक्टेंट्स क्या है, ये एन टू एंड ओ टू, ये आगे हमारे पास इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सिबल रिएक्शन। आपकी बुक पे पेज नंबर 9 पे एक और रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल ली गई है, जो है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है इसमें। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो है के एफ, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट है एन टू, इसकी नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं है, वन है, तो ये हमने एज इज लिख दिया। और यहाँ पे एच टू जो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट, इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 3, तो ये 3 इसकी पावर हो गई यहाँ पे। इसी तरह से अमोनिया जो प्रोडक्ट है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा, ये प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2, तो ये 2 इसकी पावर हो गई। फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट की ये जो कंसेंट, ये कॉन्स्टेंट अपने लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टेंट की जगह तो ये के सी आ गया है, यहाँ से ये प्रोडक्ट लेंगे एन एच थ्री पावर टू, और ये हमने रिएक्टेंट्स उठा के यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन आ गई फॉर द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन।